आज हम लोग दुध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। दुध्रुव सामान्यता कोई भी अगर हम परमाणु को देखें तो उसमें ऋण आवेश और धन आवेश का केंद्र एक ही रहता है। ऋण आवेश इसका बाहर बाहर रहता है और धन आवेश उसके बीच में रहता है। उसका केंद्र बिंदु, प्रभाव बिंदु यहाँ रहेगा। इसी प्रकार जो ऋण आवेश रहता है बाहर बाहर, उसका ऋण आवेश का जो प्रभाव बिंदु है वो भी यही रहता है। दोनों के केंद्र बिंदु एक ही रहते हैं। जब दोनों के केंद्र एक ही हैं तो आवेश तो बराबर है, धन और ऋण आवेश बराबर है, इसलिए उनका नेट आवेश तो जीरो है और केंद्र बिंदु भी एक ही है, इसलिए बाहर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का नेट आवेश शून्य रहता है और केंद्र बिंदु भी एक ही रहता है। लेकिन यदि कोई भी अणु या परमाणु इस तरह का हो जिसमें ऋण आवेश का प्रभाव एक तरफ हो और धन आवेश का प्रभाव एक तरफ, यानी धन आवेश का केंद्र बिंदु एक स्थान पर है और ऋण आवेश का केंद्र बिंदु दूसरे स्थान पर है, तो इनके दो बिंदु अलग अलग दो ध्रुव बन जाते हैं और इसी को हम दो ध्रुव या डायपोल कहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे अणु हमारे पास हैं जो इसी प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl है, H2O है, HBr है, अमोनिया है, ये सभी इसी प्रकार के हमारे अणु हैं जिनके की धन और ऋण आवेश तो बराबर हैं, नेट आवेश शून्य इसमें भी है, लेकिन इनके प्रभाव बिंदु या इनके ध्रुव अलग अलग हैं। इधर हम आएंगे तो ऋण का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, इस तरफ रहेंगे तो धन का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक दुध्रुव या डायपोल बन जाता है। अभी दुध्रुव में आवेश तो दोनों के बराबर हैं, एक तरफ ये धन आवेश है और उतना ही यहाँ ऋण आवेश है, लेकिन इनके ध्रुव अलग अलग हैं और इनके ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम डायपोल की लंबाई कहते हैं, 2L। तो ये डायपोल की लंबाई है, ये इनके ध्रुवों के आवेश का परिमाण है। तो इस प्रकार बहुत ही कम दूरी पर, यह 2L दूरी बहुत ही छोटी दूरी है, बहुत ही अल्प दूरी पर दो समान परमाणु के और विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं, तो इसी सिस्टम को, इसी निकाय को हम दुध्रुव कहते हैं। तो दो ध्रुव में वास्तव में ये दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं, तो वह निकाय या वह सिस्टम, वह निकाय जिसमें समान परमाणु, जिसमें समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति की बिंदु आवेश, यानी छोटे आवेश, बिंदु आवेश स्थित होते हैं, उसे डायपोल कहते हैं। यहाँ डायपोल में जो डायपोल की लंबाई है और जो उसका एक ध्रुव का परिमाण है, इनका गुणनफल इस डायपोल का के लिए एक भौतिक राशि है जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट या दुध्रुव आघूर्ण। तो डायपोल का जो दो ध्रुव आघूर्ण है, दो ध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं डायपोल मोमेंट,
पी, ये बराबर होता है डार्टबोर्ड की लंबाई और ध्रुव का परिमाण 2L³। इसका मात्रक होता है कूलंब मीटर। एक सदिश राश है, ये सदिश राश है और इसकी दिशा जो होती है पी की, ये ऋण से धन की ओर होती है। ये हो गया हमारा दो ध्रुवा घूम या डायपोल मोमेंट। इसमें दो आवेश अलग अलग जगह दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसके बाहर इन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। जो डायपोल है, द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव में एक तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, इनको मिलाने वाली रेखा है, इस मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं, अक्ष। और इनके केंद्र से इस अक्ष के लंबवत एक रेखा है जिसे हम निरक्ष कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस और एक्सिस। इस अक्ष के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है और इसके निरक्ष पर ज्ञात करना है। यहाँ पर इसके अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करते हैं। द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता, द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता, ये चीज हमको ज्ञात करनी। हमने मान लिया ये हमारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव के दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है। ये ध्रुव मान लिया माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ये इसका अक्ष है। और इसके अक्ष पर किसी भी बिंदु पी पर हमें तीव्रता निकालनी है। इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हमने आर मान लिया, दूरी केंद्र से मानी जाती है, इसलिए इसके केंद्र से हमने इसके दूरी को आर मान ली। चूंकि यह यहाँ से यहाँ तक दूरी एल है, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी एल है, क्योंकि पूरी लंबाई 2L है, और इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस एल होगी, और इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल होगी। अब हम तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, इसकी तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर इसकी ज्ञात करते हैं, उसका परिणाम ही निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश द्वारा पी पर तीव्रता E1 अपान 4π इप्साइलन 0 आवेश बटा दूरी का वर्ग। ये E1 प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो हमेशा उससे बाहर की ओर होती है, और ये E1 होगी। इसी प्रकार माइनस क्यू द्वारा पी पर तीव्रता E2 1 अपान
फोर पाई इप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। ध्यान रखें ये प्लस क्यू आवेश द्वारा है और ये माइनस क्यू आवेश द्वारा, तो क्यू की जगह यहाँ माइनस नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियों में हम दिशा का ध्यान रख करके और उनका परिणामी निकालते हैं, उनमें हम बीजगणित के नियम यानी ऋण धन का प्रयोग नहीं करते, हम उनके दिशाओं का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर इसके माइनस रखने का सवाल नहीं है, यहाँ पर इसकी दिशा का हमको पता लगाने का सवाल है। यहाँ पर ये जो ई टू है ये चूँकि ऋण आवेश के कारण है ये इसलिए इसकी ओर होगा। तो ये हो गया आपका ई टू, यह है आपका ई वन, दोनों की दिशा का पता है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, अर्थात एक ही लाइन में विपरीत दिशाओं में है, इसलिए परिणामी इनके अंतर के बराबर होगी। इसलिए P बिंदु पर परिणामी, इसलिए P बिंदु पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता E इक्वल टू ई वन माइनस ई टू या ई इक्वल टू ई वन इक्वल टू वन अपान फोर पाइप सेवन जीरो, यहाँ भी वन अपान फोर पाइप सेवन जीरो की ओर कॉमन है, इसे हमने बाहर निकाल लिया क्यू अपान फोर पाई इप सेवन जीरो वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस वन अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बराबर हुआ क्यू अपान फोर पाई इप्सिलॉन जीरो। एलसीएम लेंगे इसके नीचे आएगा आर माइनस एल, आर प्लस एल का हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इनके दोनों के वर्ग लगे हैं इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, ये इधर गुणा हो जाएगा इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, ये आपका बराबर आया क्यू अपान फोर पाई इप्सिलॉन जीरो, इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर सूत्र लगाएं तो एक ब्रैकेट में दोनों का जोड़ एक में दोनों का अंतर, तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दो, एल से एल कटेगा यहाँ टू आर बचेगा, यहाँ टू आर बचेगा और यहाँ आर से आर कटेगा टू एल बचेगा। नीचे आप ध्यान रखें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसमें एल बहुत छोटी राशि है आर की तुलना में, इसलिए इसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो हर में हम एल स्क्वायर को आर की तुलना में छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा आर, आर की घात दो की घात दो यानी आर की घात चार, आर इज ग्रेटर देन एल हर में एल स्क्वायर को छोड़ दिया, इसलिए जब छोड़ दिया तितना बचा। अब यहाँ टू एल क्यू हम जानते हैं टू एल क्यू इक्वल टू पी, पी इक्वल टू टू एल क्यू, टू एल क्यू इक्वल टू पी, और एक आर से आर कट गया तो यहाँ आया आपका वन अपान फोर पाई इप्सिलॉन जीरो, आर से आर कटा तो यहाँ टू बचा, इसकी जगह पी हो गया,
टू पी अपान आर की घात तीन, यही है पी पर परिणामी तीव्रता। टू पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रतिकूलम। ध्यान रखेंगे यहां पर हम एक बात देख रहे हैं कि यहां आर की घात तीन है, जबकि अगर अकेला आवेश होता है तो दूरी की घात दो होती है, यानी एक आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग की भी उत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन डायपोल के कारण से जो तीव्रता होती है वो दूरी की तीसरी घात के भी उत्क्रमानुपाती होती है। तो ये इसके अक्ष पर तीव्रता का मान है। अब अगले वीडियो में हम इसके निरक्ष पर तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।